प्रतिदिन मंदिर आया करो, लौटते समय इतना कमा के ले जाओ शायद कल नहीं आ पाऊं तो। अंतिम दर्शन किया करो भगवान का, भावना किया करो पुनः दर्शनम भूयात। मंदिर से निकलने के पहले, गुरु के पास से जाने के पहले, घर से बाहर जाने के पहले, मंदिर जाने की विधि सबको आती है, मंदिर से निकलने की विधि किसी को नहीं आती। मंदिर जाने की विधि सबको मालूम है, जाते हैं। जो मंदिर जाने की विधि जानते हैं वे सब मजदूर हैं, और मंदिर से निकलने की विधि जानते हैं वे सब सेठ हैं। और मंदिर से निकलने की विधि ये है, पूरी जाने की विधि नहीं बता रहा हूं, पूरी क्रियाएं आप करने के बाद पुनः आप मूल नायक के पास जाइए, लौट करके पुनः जाइए, दर्शन कर लिया था, पूरी वंदना कर ली, मूल नायक के पास जाइए और प्रभु से कहिए, भगवान इस संसार में मैंने ऐसे ऐसे दृश्य देखे हैं जो रात में सोए हैं सुबह उठे नहीं हैं, जो दुकान बंद करके गए फिर उनकी दुकान खुली नहीं है, आंख खोली फिर आंख फिर बंद हुई तो खुली नहीं है, मेरा भी कोई भरोसा नहीं। भगवान पुनः दर्शनम भूयात, मैं आपका पुनः दर्शन कर सकूं, आपके चरणों में पुनः आ सकूं, ये शब्द किए बिना मंदिर से वापस मत आना, ये शब्द किए बिना गुरु के पास से वापस मत आना, ये शब्द बोले बिना घर से बाहर मत निकला करो। जब घर की देरी पे जाओ एक बार मुड़ के जरूर देखना, जब कहीं तुम यात्रा पे जाओ, बड़ी यात्रा पर चलो, घर से जब भी निकलो देरी के पास एक सेकंड को रुका करो, एक सेकंड को रुका करो, और एक भाव ना करना इस देरी पर पुनः मेरा कदम पड़े, हो सके तो लौट करके घर की तरफ मुख करके नौवार नमोकार मन पढ़ना। धर्म कहीं से भी, गांव से बाहर जाओ एक बार मुड़ करके एक प्रभु का नाम लो, प्रभु पुनः प्राप्त हो इसको पुनः ना, और नहीं आना है पुराना वहां नहीं पढ़ना, जेल के बाहर मत पढ़ना कि मैं पुनः जेल आऊं, जहां तुम पुनः आना चाहते हो, घर में पुनः लौटना चाहते हो, एक समय घर की तरफ लौट करके देखो, ज्यादा समय नहीं है, नमो रिहंताणम इतना कह दो, ओम नमः शिवदेव्या, जाओ फिर, हो सकता है कितनी बड़ी भी दुर्घटना हो जाए तुम बच करके पुनः घर आओगे, क्योंकि तुमने भगवान का नाम लेकर भावना की थी पुनः दर्शन। एक शब्द बोलने जरूर भगवान के पास जाया करो लौट करके, पुनः दर्शनम भूयात, मैं पुनः आपका दर्शन कर सकूं, पुनः आपके दर्शन, अंत नहीं करना, समय शिखर को अंत मान के नहीं आना है भगवान, पुनः फिर आपकी वंदना कर सकूं, भली जिंदगी में ना जा पाओ। हाँ, रिटर्न लेकर कौन लेना चाहिए, क्योंकि ये भावना इसलिए कह रहा हूं बोला, क्यों भावना करना, कल मैं फिर आऊंगा, मैंने तो आपके साथ बहुत परेशान, क्यों करना, हमने जीवन भर प्रतिदिन अभिषेक करने का नियम लिया है, प्रतिदिन दर्शन करने का नियम लिया है, अब क्यों बार बार कहवा रहे हो कि पुनः दर्शन भूयात, मैं जाऊंगा महाराज, जीवन भर का नियम है, तू तो जाएगा, तेरे ऊपर विश्वास है लेकिन तू जा पाएगा इस पर विश्वास नहीं है, तूने नियम लिया है कि जिंदगी में प्रतिदिन भगवान का दर्शन करूंगा, मुझे इस पर संदेह नहीं है कि तू नहीं करेगा, मुझे इस प्रकृति के नियम पर संदेह है कि कल तुझे करने लायक रखेगा कि नहीं रखेगा, बोलो कोई गलत तो नहीं बोल रहा हूं, अपन ने नियम ले लिया लेकिन कल ये प्रकृति हमें दर्शन के लायक रखेगी कि नहीं रखेगी,
ये गारंटी है क्या? नहीं, कोई गारंटी, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये दुनिया में कुछ भी हो सकता है। अंधा हो जाए, ठोकर खा ले, ब्रेन हेमरेज हो जाए, कामा में चले जाए, मर जाए, कुछ भी होता है। इसलिए कम से कम बहुत बड़ी बात है मानुआ, दुर्घटना बचेगी ये नहीं कह रहा हूं बच सकती है, लेकिन यदि मर भी गए तो बताते हैं कर्म व्यक्ति को उस गति में भेजता है जो मरते समय उसकी इच्छा बनी रहती है। जिस कार्य को मरते समय ध्यान करता है कि मेरा यह कार्य हो गया, यह कार्य रुक गया, यह कार्य करना चाहता था, यह संकल्प था, बताते कर्म उसी को उसी गति में भेज देता है। कहते ना, जाकी रही भावना जैसी, सो देखी मूरज अंतमता सो गता। अब यदि तुम्हारा मरण हो गया तो कर्म कहेगा कि इसका कौन सा काम अधूरा रह गया, वो ये कल मंदिर गया था, इसने भगवान के सामने कहा था हे भगवान पुनः दर्शनम भूयात, मैं आपका पुनः दर्शन करूं, ये संकल्प करके कल भगवान के पास से आया था और ये संकल्प पूरा नहीं कर पाया, कल भगवान के दर्शन करने गया, मर गया, तो कर्म कहेगा इसके ऐसे कुल में जन्म भेजो जहां इसकी यह इच्छा पूरी हो सके, यानी तुम जैन कुल में जन्म लोगे और 45वें दिन तुम्हारे सामने भगवान होगा। किसकी विधि बताई मैंने, किसका चमत्कार बताया? मंदिर से निकलने वाली विधि का चमत्कार है। प्रवेश करने वाली विधि तो बहुत सकी, निकलने वाली सम्मेष शिखर, सिद्ध भूमि को निकलने का परिणाम करके आया और इस सम्मेष शिखर की वंदना नहीं कर पाया। ध्यान रखना, कर्म तुम्हें ऐसे स्थान पर भेजेगा जहां से निरंतर सिद्ध भगवान बनते रहते हैं, क्योंकि आपकी तमन्ना रह गई, पापों की तमन्ना तो तुम्हारी अधूरी रहती है। पाप करते समय तो तुम सोचते हो ये पाप मेरा कभी नहीं छूटे, बार बार मैं पाप करता रहूं तो पापी बनते हो, कोई बात नहीं। शराबी क्या छोड़ता है, हे भगवान और कुछ मिले या नहीं मिले, एक बोतल का इंतजाम करते रहना है। गुटका वाला सोचता है कुछ मिले या नहीं मिले, गुटका मिल जाए, स्मैक वाला सब बनेंगे, वो स्मैक ऐसे घरों में पैदा होंगे। अपन ज्ञानी है, अपन कोई ऐसी अतृप्त भावना भगवान के सामने रखो, ऐसी अच्छी भावना रखो जो हम तृप्त नहीं हुए। जैन बनना है तो रखो तृप्त, भगवान मैं तेरे दर्शन से तृप्त नहीं हूं, मैं तृप्त नहीं हूं, यदि मेरी मौत हुई तो मैं अतृप्त होकर मरूंगा। तो कर्म भी कहेगा मैं तुझे तृप्त करा के रहूंगा और साक्षात जिनेन्द्र देव का समोसन में दर्शन करेगा। अब तो तृप्त हो ले, पुनः दर्शनम भूयात, पुनः दर्शनम भूयात का चमत्कार बता रहा हूं। यदि यह तुमने श्रद्धा के बाद किया और तुम्हारा मरण हो गया, मरने के बाद तुम्हें साक्षात जिनेन्द्र देव का दर्शन मिलेगा। किस पुण्य से मिला? तूने भगवान के दर्शन करने के बाद कहा था पुनः दर्शनम भूयात, पुनः दर्शन, और लौटते समय एकदम भगवान को पीठ मत करना, एकदम पीठ नहीं करना, एक मिनट रुक करके भगवान की तरफ देखना। भगवान की इतनी जल्दी पीठ मत करो, भगवान को तुम छोड़ के जा रहे हो, तुरंत दर्शन करके ऐसे मुड़ते हो, अरे तेरा एक रिश्तेदार आता है स्टेशन पर और तुम भेजने जाते हो और वो ट्रेन में बैठ जाता है, तुम स्टेशन पे खड़े खड़े उसको कब तक देखते रहते हो? वो गाड़ी का दिख रहा है, अब कुछ नहीं, गाड़ी का पीछे के डिब्बे का वो क्रास दिख रहा है, एक डिब्बे के पीछे क्रास बना रहता है, वो ही अब वो व्यक्ति नहीं दिख रहा है, लेकिन जिसमें मेरा व्यक्ति बैठा है वो गाड़ी तो दिख रही है, गाड़ी में संतुष्ट हो तुम,
और वो भी पट्टा कम नहीं है, वो भी खिड़की में झांक झांक करके बार बार देख रहा है, अरे भाई सिंगल निकल गया तो भी फिर जाके होता है कि नहीं ऐसा। प्रभु ऐसे ही है, प्रभु का दर्शन करने आए, अब तुम जा रहे हो तो बार बार झांक के देखो, मुझे इसका आनंद आया था एक बार, इसकी आनंद की अनुभूति आई थी मुझे एक बार गिरनार की वंदना करते के बाद। जब गिरनार छोड़ के जाने लगा तो मैं ना जाने उस पहले बिहार में दो दिन चला एक, दूसरे दिन भी चला। पहले बिहार में दोपहर में बिहार हुआ था, मैं थोड़ी देर आधा पौन किलोमीटर चलूं फिर लौट कर, टोंक दिख रही क्या, टोंक दिख रही है, बस एक दो किलोमीटर के बाद तुरंत चलने वालों से मैं तो चल रहा हूं, टोंक दिख रही क्या, बोले महाराज दिख रही, तो मैं तुरंत एक मिनट यूं करता और फिर चल देता। शाम को जहां पहुंचे देखना लगन देखना, शाम अब वंदना करके आया हूं, पांच वंदनाएं की हैं गिरनार की, प्रतिदिन करता था वंदना, तो वहां जाकर के सब किया सब मन में, लेकिन बस वहां जाके जहां रुका रेस्ट हाउस में, एक स्कूल था रेस्ट हाउस था, तो मैंने लड़कों से कहा छत पे जाके देखो टोंक दिख रही क्या, वो बच्चे गया बड़ा दिख रही है, मैं ऐसे दौड़ा जैसे गिरनार दौड़ रहा, मैंने दिख रही यहां से, और जाकर वहीं बैठ करके प्रतिक्रमण किया, अंधेरा हो गया सो नीचे आ गया। सुबह उठा, तुरंत सुबह उठ करके मैंने टोंक दिख रही क्या पता बाद में दिखे या, फिर ऊपर गया, ऊपर जाकर के टोंक को देख कर आया, फिर विहार किया, फिर जब तक वो दिखती रही बार बार मैं कहता रहा टोंक देखो, एक आनंद की अनुभूति। यही परखा जाता है कि व्यक्ति को कितना आनंद आया है। जिस चीज में आनंद आता है उसको छोड़ने का मन नहीं होता। यहां पता चलता है कि गिरनार के आनंद से हम कितने अभिभूत हुए, कितने धन्य हुए कि जहां तक दिख रहा है, तुम रागियों से अभिभूत होते हो, जहां तक उसकी गाड़ी दिख रही, डिब्बा दिख रही, हाथ दिख रहा, तब तक बिल्कुल ऐसे खड़े रहोगे, बिल्कुल ऐसे वो जा रहा है, वो जा रहा है, वो जा रहा है। ऐसा प्रेम ऐसा राग तुझे भगवान और गुरु से हो जाए तो तेरा बेड़ा पार हो जाए। भगवान से जब अलग जाने लग जाए, तीर से जब अलग जाने लग जाए, एक बार मुड़के देख। मेरी तो आदत में आ गया, जब से जब भी किसी क्षेत्र से बिहार करता हूं भीड़ भाड़ में भूल जाऊं वो बात अलग है, लेकिन होता हूं दरवाजे पर जब पहुंचता हूं एक बार लौट करके उस तीर्थ का पुनः दर्शन करता हूं और कायस्थ करता हूं और कहता हूं पुनः दर्शनम भूयात। अब भले द्वारा जा पाऊं या ना जा पाऊं, लेकिन ये भावना मुझे एक दिन किसी ना किसी महातीर्थ को प्राप्त कराएगी, किसी ना किसी महातीर्थ को प्राप्त कराएगी, क्योंकि हम उससे प्रभावित हुए। इसी प्रकार लौटते समय भगवान को फिर से दर्शन किया करो, हो सके तो एक नमस्कार लौटते समय किया करो, और एकदम पीठ मत दिखाया करो, सात कदम तक थोड़ा तिरछे होकर चला करो, सात कदम के बाद फिर जाकर के मंदिर के दरवाजे पे जाओ, और दरवाजे पे जाने के बाद पुनः एक बार भगवान को देखो, और फिर तो जाना तो है ही अपन को। तो ऐसी स्थिति को लेकर के हमारे अंदर की वह ताकत, वह एनर्जी जो मैं कह रहा था, एक कमरे की एनर्जी बता रहा था, करो तो सही, प्रैक्टिकल करो।